नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल रेलवे नौकरी अपडेट में। दोस्तों, अगर आप RRB NTPC 2019 के लिए अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, NDTV इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB NTPC के एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी NDTV इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ और यहाँ पर दोस्तों RRB NTPC एग्ज़ाम डेट परीक्षा की तारीख के लेकर अभी तक नहीं किया गया है फैसला। जानिए रेलवे अधिकारी ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेलवे के अधिकारी द्वारा क्या बताया गया है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो भी यहाँ पे अपडेट आया है NDTV इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB NTPC के एग्जाम डेट को लेके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही RRB रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, जैसे कि आप देख सकते हैं NDTV इंडिया की तरफ से ये अपडेट आया है, RRB NTPC एग्जाम डेट परीक्षा के तारीख को लेकर अभी तय नहीं हुए हैं। जानिए रेलवे अधिकारी ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेलवे के अधिकारी द्वारा जो भी अपडेट दी गई है मैं आपको पूरा डिटेल्स में अपडेट बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपडेट नई दिल्ली से आया है, RRB NTPC एग्जाम डेट, RRB NTPC परीक्षा के तारीख के ऐलान अभी किया जाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों एग्जाम का तारीख अभी तक यहाँ पे RRB की तरफ से नहीं बताया गया है। NDTV से बातचीत में एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि दोस्तों, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे काफ़ी सारा जो रूमर चल रहा है कि आपका RRB NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम TCS करवाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी सोशल मीडिया में रूमर चल रहा है, जो TCS बोल रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग करवाएगा, लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है तय नहीं हुआ है। जब तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग तय नहीं होता है तब तक एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आपका RRB के अधिकारी द्वारा NDTV को बताया गया है कि अभी तक RRB NTPC का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, वो अभी तक तय नहीं हुए हैं। पिछले साल कहा गया था कि एक बार फैसला हो जाने के बाद एक नए एजेंसी की परीक्षा आयोजित करने का मौका दिया जाएगा। सितंबर 2019 तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक तौर पर रेलवे के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा था। सितंबर 2019 में RRB ने कहा था कि वो रेलवे की परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार किसी नए एजेंसी को दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे ने पिछले साल से एक नए एजेंसी की ढूंढ रहे हैं। जैसे ही आपका नया एजेंसी कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपका NTPC और ग्रुप डी का दोनों का एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बताया, यहाँ पे 25 सितंबर को RRB ने परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी से मुलाकात की थी। जैसे कि आप सभी को पता है, 25 सितंबर को RRB ने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी से मुलाकात की थी। परीक्षा आयोजित करने का दायित्व किस एजेंसी को दिया गया है अभी इस बात पे पर्दा नहीं उठाया गया है। यानी कि दोस्तों, कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा इसके बारे में कुछ अपडेट अभी तक RRB की तरफ से नहीं दिया गया है। RRB ने सवालों के जवाब में यही कहा था कि वो अभी एजेंसी पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और एजेंसी पर फैसला होने के बाद ही परीक्षा की तारीख को लेकर घोषणा की जाएगी। यानी कि दोस्तों, अभी तक कोई यहाँ पे अंतिम फैसला नहीं लिया गया है कौन सा एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, चाहे वो TCS हो या तो फिर अदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, कौन यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसके बारे में RRB ने यहाँ पे कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया है। जब तक आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी तय नहीं हो जाता है तब तक परीक्षा का तारीख और शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बताया, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में RRB के तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट ने आवेदन किया, जिसके लिए आपको सभी को पता है यहाँ पे ग्रुप डी के लिए 1 लाख पदों पे और NTPC के लिए लगभग 35,000 प्लस वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पे दोस्तों लगभग 2 करोड़ कैंडिडेट ने अप्लाई किए, 2 करोड़ प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया है ग्रुप डी और NTPC के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो यहाँ पे बताया गया है NDTV को RRB के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, कि अभी तक एजेंसी कौन सा एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसके बारे में फाइनल यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है और यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ है। जब तक एग्जाम कंडक्ट एजेंसी फाइनल नहीं होता है तब तक एग्जाम डेट और एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी अपडेट आया था NDTV के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आपको बता दिया हूँ,
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।